ये लीजिए, तुम्हारे लिए मैंने अपने हाथ से कॉफी बनाई है। कम ऑन मीरा यार, मीरा बस करो प्लीज। तुमने ऐसे सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारी कॉल काटूंगा? अरसल को सुला रहा था, उसकी नींद डिस्टर्ब ना हो इसलिए मैंने तुम्हारी कॉल रिसीव नहीं की। तुमने सोच भी कैसे लिया ऐसा? आयजा के होते हुए तुम्हें अरसल को सुलाने की क्या जरूरत है? फिर तुम अच्छी तरह जानती हो कि आयजा और अम्मा साथ नहीं होते, वो अरसल के रूम में शिफ्ट हो गए। अचानक रात को जिद करने लगा कि बाबा मुझे बेड टाइम स्टोरी सुननी है, कभी भी नहीं करता ऐसा। मिस करना शुरू हो गया है मुझे, सारी सारी रात में तुम्हारे पास होता हूँ, तुम फिर भी मुझसे नाराज हो। ओके फाइन, मान ली तुम्हारी सब बातें। दैट्स लाइक अ गुड गर्ल। चलो मैं जा रहा हूँ, तुम्हें जिम वगैरह ड्रॉप होना तो चलो मेरे साथ। नाइस कॉफी। हाँ चले, देखें कुछ तो अच्छा लगा आपको मेरे हाथों से। व्यास साहब, क्या बात है, आज ऑफिस जाने का मूड नहीं है? अरे नहीं भाई, आज ऑफिस जाने का बिल्कुल मूड नहीं है। वैसे भी ऑफिस का सारा काम सारे में बहाने संभाल लिया। मैं तो सोच रहा हूँ कि रिटायरमेंट ले लूं। लेकिन इस तरह तो आप घर बैठे बैठे बोर नहीं हो जाया करेंगे? अरे भाई, यही सोच कर तो रिटायरमेंट नहीं ले रहा, क्योंकि घर में बैठकर बोर होने का मेरा कोई मूड नहीं है। वैसे भी रोमाना, जब अपने हाथ से लगाए हुए पौधे तनावर दरख्त बन जाते हैं तो उनके साए में बैठकर बड़ा सुकून मिलता है। बात तो आपने बिल्कुल सही की है। जी आयजा। हेलो पापा, आप कहाँ हैं? मैं आपका कब से वेट कर रहा हूँ। अरे अरसल, आपकी मामा कहाँ पे हैं? मैं उनके सेल फोन से फोन कर रहा हूँ, वो किचन में है। आपने कहा था आप आएंगे, प्रॉमिस किया था आपने। अच्छा मेरी जान, अच्छा मैं आ जाता हूँ, घर आ जाता हूँ। ओके ठीक है, थैंक यू, बाय। वो बीबी जी, साहब जी कब तक आएंगे और चाय कहाँ लगानी है? एक काम करो, तुम टेरेस पे टेबल सेट कर दो, लेकिन चाय तभी लेके आना जब साहब आ जाए। जी ठीक है। वो बीबी जी, साहब जी तो नहीं आए?
चाय कब तक लगानी है? नहीं पीनी कोई चाय वाय। और क्या हुआ अगर नहीं आए तो? तुम जाओ। जी अच्छा। क्या हो गया? ऐसे क्या देख रहे हो? देख रहा हूँ कितनी खूबसूरत हो तुम। थैंक यू थैंक यू। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम मुझे आज यहाँ डिनर कराने नहीं बल्कि प्रपोज करने के लिए लाए? समझ में नहीं आता कोई इतना ज़हीन कैसे हो सकता है। तुम वाकई बहुत ज़हीन हो। और आप बहुत फास्ट। फास्ट होना पड़ता है यार, छोटी सी जिंदगी है, इसमें भी अगर हम सारा वक्त सोच विचार में गुजार देंगे तो हासिल क्या करेंगे? That's a very good thought. बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरा ये थॉट पसंद आया तो मेरा ये ख्याल भी आपको बहुत पसंद आएगा कि क्या मुझसे शादी करेंगी? देखो नीरव, अगर तुम इतनी छोटी छोटी बातों पे नाराज होना शुरू हो जाओगी तो आगे चल के जिंदगी बहुत टफ हो जाएगी। देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, अरसल बेटा है मेरा, मैं उसको इग्नोर नहीं कर सकता। और बहुत छोटा है वो, उसको मेरी सिचुएशन का कुछ नहीं पता, मैं उसे समझा भी नहीं सकता। जिम्मेदारी है वो मेरी, मेरी औलाद है। तुम भी मेरी जिम्मेदारी हो और मेरी मोहब्बत भी। मैंने तुम्हारे लिए अपना घर छोड़ा, अपनी पूरी फैमिली छोड़ी, हमेशा के लिए नाराज कर दिया अपने पेरेंट्स को, और तुमने मुझे यहां लाकर बिल्कुल अकेला कर दिया है। सारा दिन मैं बोर होती रहती हूँ, फारिक बैठी रहती हूँ, तुम्हारी कॉल का वेट करती रहती हूँ, तुम्हारा वेट करती रहती हूँ, या तुम्हें ट्राई करती रहती हूँ, और कोई काम ही नहीं है मेरा। मेरा I'm really sorry. मैं सब कुछ कर सकता हूँ लेकिन मैं अरसल को इग्नोर नहीं कर सकता। मेरा मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है। फिर अब मुझे तुमसे बात करनी है। तुमने जो बात करनी थी कर दी, अब और कोई बात करने का कोई फायदा नहीं है। Are you serious? तुम्हें पता है खावर, जब तुम मुझे यहाँ लेकर आ रहे थे ना, तो मुझे उसी वक्त आइडिया हो गया था कि तुम मुझे प्रपोज करने वाले हो। तो फिर क्या सोचा आपने इस बारे में? खावर, आई थिंक हम पास में बहुत अच्छे दोस्त हैं, एंड वी आर वेरी कंपैटिबल। मुझे लगता है हम बहुत अच्छे लाइफ पार्टनर्स भी बन सकते हैं, इसीलिए मैं तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट करती हूँ। थैंक यू मारिया, थैंक यू सो मच। मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दिया। होमवर्क कर लिया था ना आपने पूरा? जी। मम्मा, पापा कहाँ हैं? अरसल बेटा, पापा तो सुबह ही क्लिनिक चले गए थे।
लेकिन वो इतनी जल्दी तो नहीं जाते। हाँ, उन्हें कोई जरूरी काम याद आ गया था, इसीलिए चले गए। ठीक है, अब चलो चल के ब्रेकफास्ट कर लो, फिर तुम्हारी बहन भी आती होगी। चलो। मेरी बात तो सुनो यार, मैं प्रॉमिस करता हूं आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा, प्लीज यार। तुम जानती हो ना, मुझे मुझे तुम्हारी नाराजगी बर्दाश्त नहीं है। आई प्रॉमिस यू, आज के बाद ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। पक्का प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। चलो फिर नाश्ता कर लेते हैं। नाराजगी खत्म? यस। आपने महा की जिंदगी के बारे में कुछ सोचा? क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब है कि आपने उसकी दूसरी शादी का कोई फैसला किया है? उस बारे में मैंने सोच लिया है। इसका मतलब है कि कोई अच्छी फैमिली और अच्छा लड़का आपकी नजर में है? उसकी जरूरत नहीं है। मैंने महा की शादी सारिन से करने का फैसला कर लिया। चलो मियां अरसल चलें, आजा। पापा, मैं मामा का वेट कर रहा हूँ। अरे यार, मामा की तो तबीयत ठीक नहीं है, उनके सर में दर्द हो रहा है। चल ना, तुम्हारे में चलते हैं, दोनों चल मारते। नहीं पापा, मैं मामा के साथ ही जाऊंगा। अरे अरसल, बात तो सुनो बेटा। अरसल तो आयदा से बहुत ज्यादा अटैच्ड है, वो इसकी जगह मीरब को कभी कबूल नहीं करेगा, और जब इन्हें मेरे और मीरब के ताल्लुक का पता चलेगा तो जाने किस तरह रिएक्ट करेंगे। सारिन बहुत समझदार और नेक लड़का है, उसने हमेशा माँ बाप की तरह हमारी रिस्पेक्ट की है, और इस घर के लोगों की खुशियों का हमेशा बढ़कर ख्याल रखा है। हाँ, लेकिन आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं सोच रही थी कि अगर तुम्हें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, मुझे यकीन है कि सारे महा को बहुत खुश रखेगा। सही, फिर भी अगर एक बार आप महा से पूछ लें। आपने पूछा है? नहीं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि महा मेरी ख्वाहिश का एहतराम करेगी। हम कहाँ जा रहे हैं? हम घर जा रहे हैं, मम्मा पापा तुमसे मिलेंगे तो बहुत खुश होंगे। मम्मा पापा? आई होप तुमने हमारी शादी के बारे में पेरेंट्स को बता दिया आपने। नहीं, मैं एक्चुअली उनको सरप्राइज देना चाह रहा था, उनको अच्छा लगेगा। आई होप सो, इट्स गोइंग टू बी नाइस टू सी देम।
ताजन सब खैरियत? आपने मुझे बुलाया? हाँ बेटा, मैं तुमसे एक जरूरी बात करना चाहता हूं। कहिए। बेटा, तुम मुझे बेटे की तरह अजीज हो। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी ख्वाहिश का एहतराम करोगे। मैं माँ की शादी तुमसे करना चाहता हूं। देखो बेटा, मैं जानता हूं कि तुम शुरू से माँ को पसंद करते हो। नीरव से शादी तो तुमने इस घर का भरम रखने के लिए की थी। मुझे अफसोस है कि रोमाना ने तुम्हें फोर्स किया। अब मैं उस गलती का अजाला करना चाहता हूं। मुझे यकीन है कि तुम वहां को बहुत खुश रखोगे। ताजान, मैंने जो कुछ भी किया अपना फर्ज समझ के किया। आपकी मोहब्बतों के सामने वो कुर्बानी की कोई मायने नहीं रखती। मगर क्या आपने जो बात आप मुझसे कर रहे हैं वहां से भी की? नहीं, लेकिन बेटा मुझे यकीन है कि वो मेरी ख्वाहिश को कभी नहीं टालेगी। जीते रहो। ये है जियो।